मॉर्निंग में मैंने इनके लिए टिफ़िन बनाया था, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया हुआ है, और ये बन के रेडी हो गया है टिफ़िन के लिए। ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है। इसको मैं अभी स्कूल से लेके आई हूँ, और अभी अम्मा भी नहीं आई है और काम पूरा पड़ा हुआ है, और अभी मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। कुछ सुबह करके गई थी और कुछ अभी करूँगी। बर्थ किचन में बर्तन भी बहुत सारे हैं, वो भी अभी मैं इसको इसका यूनिफॉर्म चेंज करूँगी, इसको लंच करवाऊँगी इसको, और अभी कुछ काम नहीं हुआ है। लंच में मैंने नूडल्स बनाया हुआ था, क्योंकि दाल राइस किसी को खाना नहीं था। सब्ज़ी रोटी बनी रखी हुई है, तो सबकी फरमाइश पे मैंने नूडल्स बनाया है। इसको बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, इसने लंच कर लिया है, अब ये सोने वाली है। थोड़ी देर में ये सो जाएगी, इसको नहीं सुलाऊंगी तो सोफे पे ही सो जाएगी। ये मेरी क्लास का पिक है, ज़्यादा पसंद और आती मैंने इसका है। वीडियो भी बनाया हुआ है, क्योंकि मेरी क्लास थी मॉर्निंग में, तो मेरी क्लास के कुछ वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो मैंने इसी में अपने ब्लॉग में बताया हुआ फिनिशिंग है। दी जा रही है। ये हम पाइनएप्पल केक बना रहे थे। हो गया ना, इसको और चला दे। केक की कटिंग करने के बाद इसको देखो, अंदर से कितने अच्छे से इसका क्रीम और बेस कितने अच्छे से सेट हुआ है। ये हम चॉकलेट का बेस बनाया हुआ है। हम इसको ना शुगर सिरप से सोक करेंगे और मॉइस्चर के लिए, और इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें शुगर सिरप डालनी है। और इस मैंने चॉकलेट केक बनाया हुआ है, तो अब हम इस पर आइसिंग करेंगे। देखिए, दोनों केक बन के रेडी हो गए हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर में और चॉकलेट फ्लेवर में। ये चॉकलेट फ्लेवर पे मैंने थोड़े से ना इसमें चोको चिप्स डाले हुए हैं।